लेट्स मेक इट चॉकलेट डोरा पैनकेक। उसके लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, हाफ कप चीनी चाहिए, 1/4 कप दूध चाहिए, ठीक है, एंड देन 2 अंडे चाहिए रूम टेम्परेचर पर, और 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें, बटर ले लें, घी ले लें, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, और फ्यू ड्रॉप्स हम वेनिला एसेंस के लेंगे। सबसे पहले हम जिनसे अंडों को और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, इतना अच्छा मिक्स करने के वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए, कि यानी चीनी बिल्कुल अंदर आपको जरा भी नजर ना आए। फिर हम उसमें दूध ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्यू ड्रॉप वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और मैदा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा बैटर जो सा बनेगा वो ज्यादा ना थिक हो और ना ही लिक्विडी फॉर्म में हो, ठीक है। ये जिस तरह मैं आपको बैटर की फॉर्म दिखा रही हूँ इस तरह से होना चाहिए। देन हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और घी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे, और हाँ, इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना, ठीक है, सिर्फ चीनी और अंडों को अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। और ये देखें, इस तरह बैटर की फॉर्म होनी चाहिए, थोड़ी थिक फॉर्म में, लिक्विडी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फिर इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और एक पैन हम लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हमने 1/3 कप लेना है और उसकी मदद से हमने बैटर डालना है। और हाँ, बैटर को डालते वक्त अपने हाथ से पैनकेक को बिल्कुल शेप नहीं देनी, ठीक है, अपने खुद उसको शेप नहीं देनी, वरना इस तरह से होता है कि वो आपकी शेप बिल्कुल खराब हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे इस तरह जब पैनकेक पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फुल पूरा कवर हो जाएगा बबल से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारे पैनकेक की एक साइड पक चुकी है। और मैंने ये एक बेकिंग पेपर लिया था, उसमें पटेला हो, चोकोप्लीस हो, जो भी हो, उसका 1 टेबल स्पून लेंगे और उसको फ्रिज में सेट होने की, चॉकलेट है ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। तो ये देखे, जब मेरा पैनकेक पर पूरे बबल्स आ गए हैं, मैंने ये चॉकलेट इस पर रख दी है, ठीक है। इसके ऊपर अगेन थोड़ा सा हम बैटर डाल देंगे और इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसको फिर हम कवर करने के बाद इसको फ्लिप करेंगे, एंड देखिए मेरा पैनकेक जो है वो कितना अच्छा स्मूथ बना है एक साइड से। अगर आप चाहें तो ये जो चॉकलेट है आप इस तरह भी रख सकते हैं, सिंपल प्लेन केक पैनकेक बनाएं और उसके और पैनकेक रखें, फिर उसके ऊपर चॉकलेट रखें, फिर पैनकेक, फिर चॉकलेट, इस तरह भी कर सकते हैं। मगर इस तरह से ज्यादा अच्छा रहता है कि जिस तरह पैनकेक को खोलो तो बहुत अच्छी सी एक चॉकलेट की लेयर निकलती है, ठीक है। तो हमारा पैनकेक देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है, ठीक है। और ये देखिए, इसके अंदर चॉकलेट की लेयर्स नजर आएंगी, आपको कितनी अच्छी लग रही है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज। كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب